हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूं। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पर आ जाइए, और मेरे चैनल पर सभी प्रकार के थ्योरी सेशन सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज दिया गया है, एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया गया है कम शब्दों में, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया गया है, एंड बीपीएससी तैयारी 2 में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में 79-80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया है। हर एक टॉपिक का सभी वीडियो जाके देखिए, एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। 2024 के लिए ये 37वां वीडियो प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ी के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए और प्रदर्शन की रचना का निर्माण करते हुए कार्यक्रम की योजना को तैयार करना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत राइट होगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे राइट होगा। मैंने आपको खेल प्रशिक्षण की सिद्धांत जो है स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको खेल प्रशिक्षण यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने 12-13 सिद्धांत बताए हुए हैं, जैसे कि वार्मिंग एंड कूलिंग डाउन का सिद्धांत, कंटिन्यूटी यानी लगातारता का सिद्धांत, ओवरलोड का सिद्धांत, एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत एंड विशिष्टता का सिद्धांत, एंड रेस्ट एंड रिकवर यानी आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता का सिद्धांत, वैरायटी यानी विविधता का सिद्धांत, प्रोग्रेशन यानी प्रगति क्रम का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति सुनिश्चित करने का सिद्धांत, एंड योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत, एंड स्पष्टता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण के विकास के दृष्टिकोण से निर्मित हो और योजना इसी के अनुसार तैयार की जाए, यह कौन सी प्रशिक्षण कहलाती है? तो दोस्तों, यह एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी भी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन विकास के लिए सामान्य दक्षता के कारक और तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण विकास अति आवश्यक है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों, यह सिद्धांत कहलाएगा, आप ही बताइए कौन सा सिद्धांत कहलाएगा। तो युक्तिपूर्ण विकास की बात कर रहा है प्रदर्शन की, यहाँ पे सामान्य तथा विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत कहलाएगा। ये सभी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। एंड नेक्स्ट है, जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मिनरल्स यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है उससे क्वेश्चंस एक दो पूछा जाता है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको अच्छे से आपको समझना होगा। जैसे कि बीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था कि कौन सा खनिज शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है, तो वहाँ पे आयोडीन आपका राइट था। तो आयोडीन जो है हमारे शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। और फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फोरस हमारे हड्डियों दांतों के लिए अच्छा होता है, और सोडियम जो नमक होता है, सोडियम जो होता है हमारे शरीर में जल संतुलन को बनाता है, क्या करता है हमारे शरीर में जल संतुलन को बना के रखता है सोडियम। सोडियम रक्तदाब यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार संतुलन बना के रखता है, और जब सोडियम की अधिकता हो जाती है तो बीपी हाई हो जाता है, याद रखिएगा। तो अम्ल क्षार जल नियंत्रण को कौन मुख्य भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे सोडियम आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सर्वाधिक मदद कौन करता है? दोस्तों, तो सोडियम तो जल नियंत्रण या रक्तदाब नियंत्रण करता है, अम्ल क्षार संतुलन करता है, फास्फोरस हड्डियों दांतों के निर्माण करता है, बचा क्या, पोटेशियम। ठीक है,
क्वेश्चन का आंसर आप एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेन करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम जो होता है, हमारे जो तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी या मोटर न्यूरॉन्स में सूचनाओं को कार्य करने में सर्वाधिक मदद करता है पोटेशियम, यानी तंत्रिका सूत्रों को लाने और ले जाने का कार्य और पेशी संकुचन का कार्य करता है हमारा पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आपके हित के लिए आपके समय को बचाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों यानी RBC रेड ब्लड सेल्स का निर्माण सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स में सहायक होता है हमारा लोह यानी आयरन, और जिससे जो हमारा लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें हीम प्लस ग्लोबिन, हीम से तात्पर्य है लोहा यानी आयरन, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, यानी हीम यानी कि लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था यानी चाइल्डहुड में कैल्शियम के अभाव में निम्न रोग हो जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम का अभाव होगा तो हमारे अस्थियां और दांतें जो है वो कमजोर हो जाएंगी, यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप सबको पता है 60 से 80 बार, यानी कि निश्चित करेक्ट आपका हो जाएगा 72 बार। ठीक है तो दोस्तों जैसा कि नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका सामान्य अवस्था में 72 बार, जब आप कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज ट्रेनिंग लेते हैं उस कंडीशन में 180 प्रति मिनट चला जाता है, और जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं तो जो हार्ट रेट होता है 40 से 50 प्रति मिनट हो जाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम की लगभग मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों 120 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट है किसकी कमी से शरीर का निश्चित अम्लीय क्षारीय माध्यम में संतुलन नहीं रह पाता है, तो दोस्तों किसकी कमी से, तो सोडियम भी अम्ल क्षार संतुलन करता है, मैग्नीशियम भी अम्ल क्षार संतुलन करता है, तो इन सोडियम मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका अम्ल क्षार का संतुलन अच्छा से नहीं रह पाएगा, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम भी ऑप्शन दे दिया है, पोटेशियम जो होता है आपको तंत्रिका सूत्रों को लाने ले जाने का कार्य करता है, पेशी संकुचन का कार्य करता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा निम्न जगह पाई जाती है, तो आपको पता है आयोडीन की कमी से जो है हमारा थायराइड ग्रंथि जो है अच्छे से काम करता है आयोडीन के कारण, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नाम हार्मोन स्रावित होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से तभी स्रावित कर सकता है जब उसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगा, तो आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा जो है थायराइड ग्रंथियों में पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा यानी कि गोइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है PT ऊषा जो है वो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला 1984 लॉस एंजल्स अमेरिका में 4th स्थान प्राप्त की 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी। एंड पुरुषों में बात करेगा दोस्तों तो मिल्खा सिंह है 1960 रोम में 4th स्थान प्राप्त किए थे 400 मीटर में 45.60 सेकेंड में, एंड 1958 में एशियाई खेलों में इन्होंने 200-400 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया मिल्खा सिंह। राष्ट्रमंडल में 1958 में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, और अमेरिका ने इन्हें हेजर्ड अवार्ड से नवाजा था मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों 1996 आपको पता है अटलांटा ओलंपिक में टेनिस खिलाड़ी लियंडर पेस ने ब्राजील के फर्नांडो को हराकर कांस्य पदक जीता था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लियंडर पेस लॉन टेनिस,
लिएंडर पेस ऐसे भारतीय और विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो टेनिस ऐसे खिलाड़ी हैं टेनिस जो 7 ओलंपिक में भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों वो कौन है 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक के भारत की प्रथम महिला पदक विजेता हैं कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में 69 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर किसे कहते हैं, दोस्तों स्टैटिक्स से 7-8 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का निम्नतम उभयनिष्ठ हर किसे कहते हैं, तो उसे मानक को कहा जाता है स्टैंडर्ड्स को। नेक्स्ट है, अगर किसी एकांश का कठिनता स्तर 90% है तो इसका मतलब यह हुआ कि एकांश काफी आसान है। नेक्स्ट है, विभेदन सूचक रिजोल्यूशन इंडिकेटर ज्ञात करने का उत्तम तरीका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संगतता गुणांक। नेक्स्ट है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को किस श्रेणी में रखा गया है, इंटरव्यू में क्या किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक दूरी को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किसने किया, तो बोगार्डस ने किया। नेक्स्ट है, लिकर्ट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापने में एकांशों की संख्या लगभग होती है, तो इसमें होती है 20 से 25 एकांश। नेक्स्ट है, वैयक्तिक परीक्षण का स्वरूप अधिकतर होता है, तो वैयक्तिक परीक्षण का जो स्वरूप होता है अधिकतर क्रियात्मक और मौखिक दोनों ही होता है। नेक्स्ट है, तीसरे वर्ग के लिए तैयार अंकगणित का परीक्षण 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक क्या है, एक गति परीक्षण का काम करता है। ठीक है, एक गति परीक्षण का काम करता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है, अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चनों पर, 7-8 क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन में स्टैटिक्स में जैसे कि पीजीटी वगैरह में ज़्यादा पूछता है, टीजीटी में उतना नहीं पूछता है, बट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप की तरह कार्य करता है, आपको पता है जो हमारा हृदय है वो पंप की तरह कार्य करता है, जिसमें धमनी और शिरा जो होती है, धमनियाँ जो है हृदय से शुद्ध रक्त को समस्त अंगों तक पहुँचाती है और सिराएं जो है समस्त अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती हैं। नेक्स्ट है, डिडॉस केलियम किसका स्थान था, तो दोस्तों डिडॉस केलियम जो है वह पूर्व एथेंस काल में एक संगीत संबंधी विद्यालय को कहा जाता था, तो यहाँ पे संगीत का स्थान था डिडॉस केलियम। नेक्स्ट है, रोम में लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो दोस्तों रोम में उनके पिता के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था लड़कों को। नेक्स्ट है, प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या था, तो दोस्तों प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस जो है एक सैनिकों को प्रशिक्षण का स्थान था, व्यायामशाला था, जो युद्ध के देवता मार्स के नाम पर रखा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक सैन्य स्थल था। नेक्स्ट है, रोम के लोगों का प्रिय मनोरंजन था, तो दोस्तों रोम के लोगों का प्रिय मनोरंजन जो है वह था लोगों के मनोरंजन के लिए किसी पेशेवर मल या का अन्य व्यक्ति या पशु से युद्ध करना। नेक्स्ट है दोस्तों, रोम में कोलेजियम किस लिए प्रसिद्ध था, तो दोस्तों रोम में कोलेजियम जो है एक थर्म फॉर बर्थ कहा जाता था, आपको याद रखना है कि थर्म फॉर बर्थ उत्तर रोम काल एंड कीचड़ स्नान यानी मठ बाथ पूर्व एथेंस काल, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, तो ये थर्म फॉर बर्थ जिसको कोलेजियम स्नान गृह
कहा जाता था जो व्यायाम के लिए प्रयोग होता था। तो यहाँ पे आसन नहीं दिया है, तो व्यायाम के लिए यही आपका मल्ल युद्ध होता था, मनोरंजन के लिए किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मल्ल युद्ध को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों के सही संयोग का द्योतक है? तो दोस्तों ओलंपिक छल्ले में नीला, पीला, काला, हरा, लाल पांच छल्ले होते हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है, जो पांच महाद्वीपों का प्रतीक है, जो ये पांच महाद्वीप दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए थे? दोस्तों तो 1916, 1940, 1944 ये तीन ओलंपिक ऐसे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संपन्न नहीं हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1940। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेल कूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया था? दोस्तों ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, एंड शपथ ग्रहण भी सबसे पहले एंटवर्प ओलंपिक में 20 में हुआ था, एंड कबूतर भी छोड़ा गया था सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, और ओलंपिक ध्वज को बनाया था 1913 में बैरन पियर डे कुबर्टिन ने। नेक्स्ट है, स्ट्रेच रिलैक्स प्रायः बहुमिति यानी प्लायोमेट्रिक जिसे विस्फोटक शक्ति विकसित किया जाता है में किसके द्वारा लागू किया जाता है? दोस्तों एक जंप है, जंप के द्वारा लागू किया जाता है, कूद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत यानी कि पेशी का सरकवा सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो उन्होंने 1954 में हक्सले ने दिया था, अमेरिका के, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हमारे जो मसल्स फाइबर्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और जिसके एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पे फिसलने से मसल्स जो है कंट्रैक्ट होता है, इसी ने इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट या सरकवा सूत्र सिद्धांत इसको कहा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शाखा खेल कूद में नैदानिक शिक्षण और तैयारी में मदद करती है? तो यहाँ पे जो यांत्रिकी यानी बायो मैकेनिक्स जो होता है खेल कूद में, कैसे अंगों की गति करना है, और जो उपकरण है इक्विपमेंट है उसमें किस कोण पर कैसे एंगल पर कार्य करना है, ये सभी जो यांत्रिकी में हम ज्ञान पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वाधिक ज्ञात विशिष्ट अंग स्पेसिफिक ऑर्गन है, तो सर्वाधिक ज्ञात स्पेसिफिक ऑर्गन आपका है संयोजी उत्तक अंग मर्दन, कनेक्टिव टिश्यू एक्लिमेटाइजेशन, अंग मर्दन मतलब मसाज होता है, यहाँ एक्लिमेटाइजेशन लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग मर्दन यानी कि मसाज जो व्यायाम संबंधी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बल्कि मुख्य रूप से चिकित्सकीय अथवा उपचारी अंग मर्दन यानी मसाज के रूप में काम में लाया जाता है, किस प्रकार का अंग मर्दन यानी मसाज है? तो दोस्तों यह आपका संयोजी उत्तक अंग मर्दन है। मसाज के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाइए और एक दो वीडियो में ही शॉर्ट में पूरे मसाज को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में हृदय का वजन होता है, तो दोस्तों जो हृदय का वजन होता है 250 से 300 ग्राम होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, तो दोस्तों धमनी जो है शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाती है, तो सबसे बड़ी धमनी होता है एरोटा महाधमनी, बाएं लीले से निकलती है, जुड़ी हुई होती है एरोटा, और हृदय के सभी अंगों में रक्त भेजने का कार्य करती है, और एरोटा से जो है एरोटा जो है सबसे बड़ी धमनी होती है, और हृदय के कक्ष बाएं नीले से चीरी जुड़ी हुई होती है, और हृदय ऑक्सीजन युक्त खून रक्त इस धमनी और इसकी शाखाओं के द्वारा पूरे शरीर में परिचालित करता है। और दोस्तों एरोटा यानी महाधमनी का प्रथम शाखा होता है कोरोनरी धमनियां यानी कोरोनरी आर्टरी, जो हृदय के मांसपेशियों को या
हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है, हृदय के मांसपेशियों की। और फिर दूसरी शाखा निकलती है दाई और बाई कैरोटिड धमनियां। जो कैरोटिड धमनियां होती हैं शरीर के सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को खून पहुंचाती हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और उसके बाद तीसरी शाखा निकलता है दाई और बाई सबक्लेवियन धमनियां, जो कंधों और भुजाओं को रक्त पहुंचाती हैं। उसके बाद एरोटा की कई शाखाएं आंतरिक अंगों में को खून पहुंचाती हैं। और उधर भी एरोटा दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। पहला दाई और बाई इलियक धमनी, जो पेल्विस क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है। फिर ये धमनियां नीचे टांगों तक जाती हैं, जहां इसे फीमोरल धमनी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, हमारा हृदय जो है तीन परतों से, तीन मसल पेशियों से मिलकर बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, जो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना होता है, जिसमें बीच में सेरस नामक पदार्थ भरा रहता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है और हृदय स्पंदन में सहायता करता है। तो यहाँ पे एपिकार्डियम नहीं दिया रहेगा, तो पेरिकार्डियम ही राइट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है? तो दोस्तों, जो हिंज ज्वाइंट है, चल संधि यानी कि मूवेबल ज्वाइंट या डायरेक्ट साइनोडायट्रोसिस का उदाहरण है। तो जो हिंज ज्वाइंट यानी कि कोर संधि होता है, वो एक ही दिशा में यूनि एक्सियल गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, एक ही दिशा में गति। इसमें आपका नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नितंब संधि जो हिप ज्वाइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। टखना संधि यानी कि हमारा कलाई और टखना यानी कि कार्पस और टार्सस जो ज्वाइंट होता है, वह ग्लाइडिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है कोहनी संधि यानी एल्बो ज्वाइंट। नेक्स्ट है चक्र के विमोचन के समय, यानी कि चक्र को, यानी कि जो हम चक्का फेंक रहे हैं, डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, उसको जब विमोचन यानी कि छोड़ रहे हैं, उस समय कौन सा बल ज्यादा लगेगा? दोस्तों, दो बल कार्य करता है फेंकने में और घुमाने में। जैसे कि जब हम चक्र को घुमा रहे हैं, उस समय केंद्र की ओर ज्यादा बल लग रहा है, तो केंद्र की बल, जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है, उसको अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जो केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसे हम अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। तो जैसे कि चक्र के विमोचन के समय जो है, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वहां पर अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ज्यादा काम करेगा अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अधिक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, जो हमारे बीच में, वक्ष में, छाती में मोटी हड्डी होती है, जिसे स्टर्नम कहा जाता है, और इसी में दोनों तरफ से 12-12 पसलियां जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है? दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो सभी दिशाओं में गति करता है, यानी कि एक हड्डी का सिरा, गोल गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार में सिरे में फंसा रहता है, इस सभी दिशाओं में गति करता है। इसमें हमारा हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट आता है। तो यहाँ पे हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट दोनों राइट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपावर्तन एबडक्शन के बाहु हिलती जुलती है। एबडक्शन क्या होता है? बाहु को बगल में उठाना, यानी शरीर से दूर जाएगा। अब एडक्शन में क्या होता है? बाहु को वापस शरीर की तरफ लाना, यानी शरीर की ओर लाना। तो यहाँ पे एबडक्शन ही हो जाएगा, शरीर से दूर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तोलक में बल भार और आलंब के बीच में होता है? तो दोस्तों, हम हर बार आपको बताए हैं कि एफ ए आर 312, ठीक है, 312। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में है। फर्स्ट प्रकार के लीवर में कौन बीच में है? एक्सिस बीच में है यानी कि, और सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में है, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानी कि बल बीच में है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि किस उत्तोलक में बल जो है
भार और आलंब के बीच में होता है, तो बल भार और आलंब यानी रेसिस्टेंस और एक्सिस के बीच में है, तो कौन सा उत्तोलक होगा? तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। कौन सा उत्तोलक होगा? तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा, जिसमें आपका एग्जाम्पल होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हमारे शरीर में आर्म फ्लेक्शन यानी हाथ को मोड़ना, थाई फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग कर्ल घुटने का मोड़ना, सीट अप हाथ को ऊपर को उठाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लेष्मक संधि साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ पे होता है? हमारे जोड़ों पर होता है और ये चल संधि का उदाहरण है। यहाँ पे स्वच्छंद रूप से जंगम यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट आपका राइट हो जाएगा। संधि जो है तीन प्रकार की होती है, अचल, अर्धचल और चल संधि। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था DAS। डी से होता है डायथ्रोसिस, जिसे चल संधि को कहते हैं। ए से एम्फियाथ्रोसिस, अर्धचल संधि को कहते हैं। एस से साइनोथ्रोसिस, जो अचल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन तंतुमय यानी फाइबर्स ज्वाइंट है? तो दोस्तों खोपड़ी की संधि को फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं। यानी कि तीन प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें से अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें हमारा सूजन यानी खोपड़ी का जोड़ एंड आपके एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट सिंडमोसिस आता है एंड गोम्फोसिस हमारा यानी कि पेग एंड सैकेट ज्वाइंट दांतों का जोड़ आता है। नेक्स्ट है दाब यानी स्ट्रेस की स्थिति है। दोस्तों स्ट्रेस यानी कि तनाव की स्थिति जो है हमेशा हानिकर होगी, आपकी कार्य निष्पादन के लिए हानिकर होगी, लॉस ऑफ परफॉर्मेंस को लॉस करेगी। तो दोस्तों जो स्ट्रेस होगा वो मध्यम लेवल पर होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसका कारण मुख्य रूप से होता है कि प्रजातीय, धार्मिक, राष्ट्रीय आधार पर दर्शकों की टीमों के साथ एकात्मकता न होना ही आपका हिंसा का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है सीखने में व्यक्तिगत कारक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अनुवांशिक कारक भी है, उपयुक्तता भी है, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सभी सीखने के व्यक्तिगत कारक हैं। तो दोस्तों ये था आपके 50 MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।